तो हे गाइस, M14 टॉप 1 पुशिंग के एपिसोड 4 में आप सभी का स्वागत है। बाकी आप सभी लोगों को पता होगा मंडे के दिन सभी लोगों को टाइटल मिलता है, तो यहाँ पर मेरे को टाइटल मिला था इंडिया का 96 नंबर का। अभी के टाइम पे देखोगे ना, यहाँ पर मेरा M14 का जो स्कोर है वो 16600 हो चुका है और यहाँ पर मैं इंडिया के अंदर 98 नंबर पे चल रहा हूँ। आज के इस एपिसोड के अंदर मैं ट्राई करूंगा 80 नंबर तक जाने के लिए और साथ में 2000 ग्लोरी भी पुशिंग कर देने की ट्राई करूंगा। तो देखते हैं आज हम लोग कितना ग्लोरी पुशिंग कर पाते हैं। तो बाकी अभी चलिए मैच के अंदर चलते हैं और पुशिंग को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर जो को भी पहली बार आया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। भाई ने बोला करने का तो करने का। अब यहाँ पर हमारा पहला मैच शुरू हो जाता है बरमूडा पे और यहाँ पर मैं जा रहा था हैंगर के ब्लू जोन में। अब यहाँ पर मैं जैसे ही आता हूँ मेरे साथ ही एक बंदा उतरा था, जो बंदा यहाँ पर मेरे से पहले गन उठा लिया था। सामने वाला बंदा यहाँ पर मेरे को मारने लगता है लेकिन यहाँ पर मैं ग्लोअर लगा के जैसे यहाँ पर आता हूँ मेरे को 36 मिल जाता है। सामने बंदा होता है, इसको मैं यहाँ पर हेडशॉट बॉडी शॉट मार के काफी आराम से खत्म कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ लूटने के लिए ऊपर देखता हूँ, ऊपर से वही बंदा यहाँ पर रिवाइव होकर फिर से आ रहा था। अब बंदे को यहाँ पर मैं ऊपर में ही थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ बंदा सीरियस ऊपर के साइड जा रहा है और मैं यहाँ पर उसका पीछा करते करते जैसे ही यहाँ पर आता हूँ सामने बंदा होता है, इसको मैं यहाँ पर M10 से बॉडी मार के काफी आराम से यहाँ पर खत्म कर देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ एक बंदा यहाँ पर बिना मीशा का बाइक चला रहा था, जिसको मैं यहाँ पर M14 से बॉडी मार के काफी आराम से खत्म कर देता हूँ। लेकिन उतने में ऊपर के साइड यहाँ पर मेरे को एक और बंदा दिख जाता है, जिसको मैं यहाँ पर डैमेज देता हूँ। लेकिन सामने वाला बंदा यहाँ पर परमानेंट कवर में चला जाता है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ सामने एक लूट क्रिएट दिखता है, इसको मैं यहाँ पर लूटने लगता हूँ। लेकिन उतने में सामने से एक बंदा जोन कवर कर रहा था, जिसको मैं यहाँ पर M14 से बॉडी मार के काफी आराम से खत्म कर देता हूँ। अभी के टाइम पे आखिर का सिर्फ एक ही प्लेयर बचा होता है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ सामने ही बंदा था, तो यहाँ पर मैं एक FGL का यूज करता हूँ, डैमेज भी आ जाता है। और अभी सामने वाला बंदा एकदम से रश कर देता है, इसको मैं यहाँ पर डैमेज दे देता हूँ। लेकिन एक हेडशॉट भी लग जाता है, तो यहाँ पर मैं इसको मारने लगता हूँ। लेकिन सामने वाला बंदा यहाँ पर ग्लोअर लगा लेता है, फिर यहाँ पर मैं एक FGL का यूज करता हूँ, डैमेज भी आ जाता है। लेकिन उनके में सामने वाला बंदा यहाँ पर डिमिट्री का यूज कर लेता है, मेरे को काफी अच्छा खासा डैमेज डील कर देता है। फिर मैं यहाँ पर ग्लोअर मारता हूँ, यहाँ पर सुपर मेडिकेट मारने लगता हूँ। लेकिन उनके में सामने वाला बंदा यहाँ पर मेरे ऊपर रश कर देता है, तो इसको मैं यहाँ पर M87 से दो गोली मारता हूँ, उसका सुनिया भी एक्टिवेट हो जाता है। सामने वाला बंदा यहाँ पर FGL मारते मारते मर जाता है। यहाँ पर मेरे को पहले मैच के अंदर से फुल ग्लोरी मिल जाता है M14 से। तो अगर आप लोग इस वाले मैच में देखो तो हम लोग डुओ में पुशिंग कर रहे थे एंड पिक के साइड में जैसे ही आते हैं हम लोग यहाँ से थर्ड पार्टी करते हैं, एक बंदे को खत्म कर देते हैं, उसका टीम भी वाइप आउट हो जाता है। एक और बंदा यहाँ पर मैं नॉक ले लेता हूं। अब जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूं, यहाँ पर कोई बंदा था नहीं, तो यहाँ से हम लोग थोड़ा बहुत लूट करते हैं, मॉन्स्टर ट्रक पकड़ के जोन के अंदर चले जाते हैं। अब मिल के साइड जोन बना था, तो यहाँ पर हम लोग ब्रिज के ऊपर आ जाते हैं। सामने ग्लोअल दिखता है, तो हम लोग यहाँ पर रश कर देते हैं मॉन्स्टर ट्रक लेके। अब जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ ग्लोअल के पीछे एक बंदा होता है, इसको मैं यहाँ पर उड़ा देता हूँ, इसका टीम भी वाइप आउट हो जाता है। एंड अभी के टाइम पे ऊपर के साइड भी गाड़ी घूम रहा था, तो यहाँ पर मैं मॉन्स्टर ट्रक ले लेता हूँ। अभी के टाइम पे ना आखिर का सिर्फ एक ही प्लेयर बचा होता है, जो कि नीचे के साइड ही है। अब यहाँ पर मैं मॉन्स्टर ट्रक लेके बंदे को ढूंढने लगता हूँ, लेकिन उतने में मेरा टीममेट सामने वाले बंदे को उड़ा देता है। एंड सामने ही बंदा होता है, तो इसको मैं यहाँ पर वन टैप मारने की ट्राई करता हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरा टीममेट किल ले लेता है और ये वाला मैच हमारा काफी आराम से बुआ हो जाता है। लेकिन इस मैच के अंदर यहाँ पर मेरा स्क्रीनशॉट थोड़ा सा उल्टा सीधा हो जाता है। तो अगर आप लोग इस वाले मैच में देखो तो मैं सोलो में पुशिंग कर रहा था, यहाँ पर हमारा लग जाता है नेक्स्ट राउंड मैच। जैसे ही मैं गाड़ी लेके डेका स्क्वाड के साइड आता हूँ, सामने एक बंदा होता है, इसको मैं यहाँ पर M40 से बॉडी मार के काफी आराम से खत्म कर देता हूँ। लेकिन उतने में सामने के साइड से एक बंदा यहाँ पर मेरे को फायर कर रहा था, लेकिन यहाँ पर मैं गाड़ी को भगा के थोड़ा सा इस साइड में जैसे आता हूँ सामने एक बंदा दिखता है, जो कि यहाँ पर ऑफलाइन था, तो इसको मैं यहाँ पर जूम करता हूँ, हेडशॉट मार के काफी आराम से इसको भी यहाँ पर मैं खत्म कर देता हूँ। जैसे मैं लूट करके इस साइड में आता हूँ, सामने एक और बंदा ऑफलाइन दिखता है, तो इसको भी यहाँ पर मैं हेड मैम लेता हूँ, M87 से इसको भी यहाँ पर मैं हेडशॉट मार के काफी आराम से खत्म कर देता हूँ। यहाँ पर मैं मिनी लॉन्च पैड का यूज करके एक हाइट का एडवांटेज ले लेता हूँ। जैसे मैं इस साइड में आता हूँ ना, सामने के साइड फाइट हो रहा था और यहाँ से मैं M14 से मारने लगता हूँ, एक बंदे को यहाँ पर मैं खत्म भी कर देता हूँ। सामने के साइड यहाँ पर एक और बंदा हो सकता है, तो यहाँ से मैं देखने लगता हूँ। लेकिन उतने में सामने के साइड से एक बंदा जोन कवर कर रहा था, तो इसको मैं यहाँ पर डैमेज देता हूँ। लेकिन सामने वाला बंदा यहाँ पर ग्लोअर लगा लेता है, यहाँ पर आइस कैरेक्टर का यूज करता हूँ, सामने वाले बंदे को मारने लगता हूँ। लेकिन उतने में मेरे साथ यहाँ पर थर्ड पार्टी हो रहा था, एक बंदा यहाँ पर मेरे को काफी अच्छा खासा डैमेज डील कर देता है। एंड उतने में यहाँ पर मैं मेडिकेट मारने लगता हूँ, लेकिन नीचे के साइड यहाँ पर मेरे को एक और बंदा दिख जाता है, जिसको मैं यहाँ पर डैमेज देता हूँ, बंदा ग्लोअर लगा लेता है। लेकिन इसको मैं यहाँ पर M14 से बॉडी मार के काफी आराम से यहाँ पर खत्म कर देता हूँ। अभी के टाइम पे यहाँ पर मेरा हेल्थ काफी ज्यादा लो हो गया था, एंड एक बंदा यहाँ पर पीछे से यहाँ पर मेरे को मार देता है। एंड इस मैच के अंदर से यहाँ पर मेरे को M14 से फुल ग्लोरी मिल जाता है। तो अगर आप लोग इस वाले मैच में देखो तो यहाँ पर मेरा नेक्स्ट मैप लग जाता है, एंड यहाँ पर मैं जा रहा था ब्लू जोन में, लेकिन मेरे साथ ही यहाँ पर एक बंदा लैंड कर रहा था। यहाँ पर मैं जैसे ही लैंड करता हूँ, यहाँ पर मेरे को गन नहीं मिलता, एंड पीछे एक बंदे को गन मिल जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर ग्लोअर लगा के जल्दी से नीचे के साइड आ जाता हूँ, यहाँ पर मेरे को एक ही मिल जाता है। अब जैसे ही मैं गन लेके ऊपर के साइड आता हूँ, सामने ही बंदा होता है, इसको मैं हेडशॉट मार के काफी आराम से खत्म कर देता हूँ। एंड सामने के साइड जाने के बाद यहाँ पर मेरे को स्कार वगैरह मिल जाता है। एंड घर के अंदर जैसे आता हूँ, सामने बंदा होता है,
तो इसको मैं यहाँ पर पहले हेडशॉट मारता हूँ, बाद में बॉडी शॉट मार के इसको खत्म कर देता हूँ काफी आराम से। अब उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा बाहर के साइड आता है एंड ऊपर देखने लगता हूँ, लेकिन ऊपर से कोई बंदा रिवाइव होकर नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर मैं ब्लू जोन में काफी अच्छा खासा लूट करता हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ, सामने के साइड एक बंदा होता है ब्रिज के ऊपर, जो बंदा यहाँ पर मेरे को काफी अच्छा खासा डैमेज डील कर देता है। अभी के टाइम पे यहाँ पर मैं मिनी लॉन्चपैड का यूज करके डोरेमोन के ऊपर आ जाता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ, मिनी लॉन्चपैड का यूज करके एक और बंदा आ गया था, जिसको मैं यहाँ पर M14 से दो गोली मारता हूँ, बंदा खत्म हो जाता है। एंड उतने में यहाँ पर एक बंदा सेंटेनो कैरेक्टर का यूज करके आ जाता है यहाँ पर, लेकिन इसको यहाँ पर मैं काफी अच्छा खासा डैमेज दे देता हूँ। लिटरली एक गोली का बचाता सामने वाला बंदा। अब थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक बंदा जोन कवर कर रहा था, इसको मैं डैमेज देता हूँ, ग्लोअर लगा लेता है, लेकिन आयरिस कैरेक्टर के मदद से सामने वाले बंदे को काफी आराम से खत्म कर देता हूँ। लेकिन इतने में मेरे को ब्रिज के ऊपर एक बंदा दिख जाता है, जिसको मैं यहाँ पर डैमेज देता हूँ, लेकिन सामने वाला बंदा यहाँ पर टूटा हुआ ट्रक के कवर में चला जाता है। इसको मैं यहाँ पर डैमेज देने लगता हूँ, लेकिन डैमेज दे नहीं पाता हूँ। थोड़ी देर बाद नीचे के साइड एक बंदा बिना मिशा का गाड़ी चला रहा था, जिसको मैं यहाँ पर M40 से डैमेज देता हूँ। फाइनली इसको भी यहाँ पर मैं काफी आराम से खत्म कर देता हूँ। यहाँ पर मैं मॉन्स्टर ट्रक बुला लेता हूँ। अब जैसे ही मैं थोड़ा सा इस साइड में आता हूँ, सामने के साइड से एक बंदा मेरे को डैमेज दे रहा था, लेकिन यहाँ पर मैं जो मॉन्स्टर ट्रक बुला लिया था, उस मॉन्स्टर ट्रक में बैठ जाता हूँ। यहाँ पर मैं सुपर मेडिकेट मार के नीचे के साइड आ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जोन नहीं था। अब जैसे ही मैं यहाँ पर थोड़ा सा नीचे के साइड आता हूँ, मेरे पीछे भी बंदा फाइट कर रहा था। मैं मॉन्स्टर ट्रक से उतरता हूँ, एक बंदा सामने होता है, इसको मैं यहाँ पर MP5 से काफी अच्छा खासा डैमेज देता हूँ। फाइनली इसको भी यहाँ पर मैं खत्म कर देता हूँ। अभी के टाइम में आखिर सिर्फ एक ही प्लेयर बचा। अभी मेरे सामने एक ड्रॉप गिरा हुआ था, तो यहाँ से मैं ड्रॉप को फोड़ता हूँ, चार लेवल का वेस्ट ले लेता हूँ। लेकिन उतने में सामने वाला बंदा यहाँ पर मेरे ऊपर मॉन्स्टर ट्रक लेकर रश कर देता है, लेकिन यहाँ पर मेरा ग्लोअर से टक्कर होता है एंड उसका मॉन्स्टर ट्रक स्लो हो जाता है, जिसके चलते इसका मॉन्स्टर ट्रक यहाँ पर मैं जला देता हूँ। सामने वाला बंदा यहाँ पर मॉन्स्टर ट्रक से उतर के ग्लोअर लगा लेता है, लेकिन यहाँ से मैं ग्लू मेल्टर फेंक देता हूँ, यहाँ पर मैं पेड़ के कवर में चला जाता हूँ। लेकिन उतने में सामने वाला बंदा थोड़ा सा सामने के साइड आके एक और ग्लोअर लगा लेता है, तो यहाँ से मैं एक और ग्लू मेल्टर फेंक देता हूँ। यहाँ पर सामने वाला बंदा ग्लोअर से हटके पेड़ के कवर में चला जाता है, तो यहाँ पर मैं होल्ड करने लगता हूँ, लेकिन उतने में सामने वाला बंदा यहाँ पर मेरे ऊपर नेट कर रहा था, तो यहाँ से मैं डैमेज देता हूँ, काफी अच्छा खासा डैमेज दे देता हूँ सामने वाले बंदे को। तो इसलिए यहाँ पर मैं सामने वाले बंदे को ऊपर रश कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं रश कर देता हूँ, सामने वाले बंदा यहाँ पर ग्लोअर से पैक कर लेता है, और यहाँ पर मैं जल्दी से आयरिस कैरेक्टर का यूज करता हूँ, सामने वाले बंदे को यहाँ पर मैं काफी आराम से खत्म कर देता हूँ। वाला मैच हमारा काफी आराम से बुआ हो जाता है, तो बैक करके देखते कितना ग्लोरी मिला है। जैसे यहाँ पर मैं बैक करता हूँ, M14 से फुल ग्लोरी मिल जाता है। तो अगर आप लोग इस वाले मैच में देखो ना, यहाँ पर मेरा अभी तक एक ही किल हुआ है। अब जैसे मैं ब्रिज के साइड आता हूँ, सामने एक बंदा होता है, जिसको मैं यहाँ पर काफी अच्छा खासा डैमेज दे रखा था, आयरिस कैरेक्टर का यूज करके सामने वाले बंदे को काफी आराम से खत्म कर देता हूँ। तो अगर आप लोग अभी के टाइम पे देखो ना, मेरे को छोड़कर आखिर का सिर्फ तीन ही प्लेयर बचा होता है, तो यहाँ पर मैं मॉन्स्टर ट्रक लेके घूम रहा था। अब जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, आखिर का सिर्फ एक ही प्लेयर बचा होता है, जो बंदा यहाँ पर मेरे एकदम से शॉर्ट रेंज में आ जाता है। अभी के टाइम पे ना मेरे पास काफी सारा लैंडमाइन था, इसलिए मैं यहाँ से लैंडमाइन लगा के थोड़ा सा पीछे के साइड आ जाता हूँ। लैंडमाइन से सामने वाला बंदा डैमेज भी हो जाता है। और अभी के टाइम पे यहाँ पर मेरे पास FGL भी था, इसलिए मैं यहाँ पर FGL मारता हूँ, लेकिन FGL से डैमेज नहीं आता है। अब जैसे ही थोड़ा सा बंदा सामने के साइड आता है, यहाँ पर बंदा मेरे लैंडमाइन से ही मर जाता है। वाला मैच हमारा काफी आराम से बुआ हो जाता है। तो बैक करके देखते इस मैच के अंदर से यहाँ पर मेरे को कितना ग्लोरी मिला है। अब जैसे यहाँ पर मैं बैक करता हूँ, M14 से यहाँ पर मेरे को 24 का ग्लोरी मिलता है। तो अगर आप लोग इस वाले मैच में देखो, तो यहाँ पर मेरा नेक्स्ट मैप लग जाता है, सामने एक बंदा होता है, इसको मैं यहाँ पर M14 से काफी आराम से खत्म कर देता हूँ। सामने एक बंदा उतरा था, जो बंदा यहाँ पर हाइट का एडवांटेज ले लेता है। अब यहाँ पर मेरे पास लूट नहीं था, इसलिए मैं इस घर के अंदर चला आता हूँ। इस घर के अंदर आने के बाद यहाँ पर मैं इस घर से थोड़ा बहुत लूट करता हूँ। जैसे ही मैं थोड़ा सा इस साइड में आता हूँ, सामने एक बंदा होता है, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं एम ले लेता हूँ एंड सामने वाले बंदे को मारने लगता हूँ। लेकिन उतने में सामने वाला बंदा बहुत ही जल्दी से ग्लोअर लगा लेता है, लेकिन यहाँ पर मैं आयरिस कैरेक्टर का यूज करके सामने वाले बंदे को काफी आराम से खत्म कर देता हूँ। एंड यहाँ पर मैं होल्ड करने लगता हूँ, लेकिन उतने में सामने के साइड दो दो बंदा आ जाता है और मेरे साइड से ग्लोअर लगा लेता है। लेकिन यहाँ पर मैं आयरिस कैरेक्टर का यूज करता हूँ, एक बंदा यहाँ पर डाउन भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं एक बंदे का किल चोरी कर लेता हूँ। सामने के साइड यहाँ पर एक और बंदा होता है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो ग्लोअर फोड़ता हूँ एंड सामने बंदा होता है, सामने बंदा यहाँ पर एक और ग्लोअर लगा लेता है, लेकिन सामने वाले बंदे को भी यहाँ पर मैं काफी आराम से M14 से खत्म कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर सामने वाले बंदे को खत्म कर देता हूँ, सामने से एक बंदा यहाँ पर मेरे ऊपर थर्ड पार्टी कर देता है। तो बैक करके देखते हैं कितना ग्लोरी मिला है। जैसे यहाँ पर मैं बैक करता हूँ, M14 से फुल ग्लोरी मिल जाता है। तो बाकी इसी तरह हम लोग पुशिंग करके यहाँ पर मेरा M14 का ग्लोरी देखोगे तो 17,900 हो चुका है। और यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 नंबर पे चल रहा हूँ एंड यहाँ पर अपने स्टेट वेस्ट बंगाल के अंदर 25 नंबर पे चल रहा हूँ अभी के टाइम पे। यहाँ पर इंडिया के मामले में 81 नंबर पे आ चुका हूँ अभी के टाइम पे। तो बाकी आज के इस एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो, जरूर से नीचे कमेंट करके बता देना। तो अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पर जो को भी पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा तो दिल से धन्यवाद, और आप लोगों से मिलता है हमारा अगला एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।